ये लालपुर बाढ़ प्रभावित से बहुत ज़्यादा ही कई सालों से बाढ़ से यहाँ के लोग कई भी परेशानियाँ उठा चुके हैं। कुछ बच्चे यहाँ खाने के लिए तड़प रहे हैं और कुछ इसमें कोई भी सरकार ना प्रधान है ना यहाँ का कोई अधिकारी कोई काम करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। यहाँ कई सालों से ऐसा बाढ़ प्रभावित हो रहा है, ना तो कोई फसल उग रही है ना तो कोई चीज़ हो रहा है। सो रहे थे, दोनों पैर में दीवार गिर गई, फिर दोनों पैर मेरा टूट गया। अब ये सोचता हूँ कैसे हमारे बच्चे खाएंगे कैसे पिएंगे। अब कोई सरकार व्यवस्था कर देगी, सहारा दे देगी तो हमारे लड़के बच्चे भी जी जाएंगे। हमें वजन कुछ नहीं मिलता है मेरे पास। तो प्रधान के पास नहीं गए रहो? बहुत ज्यादा जाते जब सुनवाई नहीं करते हैं। फैब्रिक दिया नहीं दिया, चीनी चाउर नहीं दिया, कोनो चीज नहीं दिया, ये कॉलोनी नहीं दिया, खाली प्रधान बने लिए है हमारे सबके लिए कुछ नहीं है। हमारे लड़के भूखन मरा था, हम कहा खवा दी, कहा पहराई दी, कहा हम पढ़ाई लिखाई कराई दी। अब नेता जब वोट ले खोई तो वही है रमजान साहब जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने वादा करके यहाँ से गए थे कि ये पुलिया मैं बनवा दूंगा, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं पड़े कि बनवा दे। बहुत सीधी सी बात, एक यहाँ के सांसद है बिन्नू पाड़े, कोई भी हो, उनका तो चेहरा ही देखना दुर्लभ हो गया। सही, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाती है वैसे वो गायब हो गए, दिखाई नहीं पड़े। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आएंगे हाथ जोड़ेंगे, हमारा जब हाथ हम जोड़ते हैं तो सुनते ही नहीं। तो मैं तो मीडिया के माध्यम से उनको सूचना देना चाहता हूं कि इस समय वो यहां आए और इस जल प्लावन की स्थिति को देखें कि इन ग्रामवासियों को कितना कष्ट है, लैट्रिन जाने में भी इतना पानी उतरना पड़ता है। हमारी समस्या ये है कि जो ये बांध बनाया जा रहा है जिसपे गटर बनाया जा रहा है, इसमें सारे नहर खंड विभाग जो है इसका पैसा केवल हड़प रहा है। जो सरकार का नुकसान हो रहा है, हम लोगों का नुकसान ये हो रहा है कि हमारा गांव कट रहा है। इसके लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके बजाय इस काम को बंद करवा दे और इस जगह पर दोबारा हम लोगों को कहीं आवास के लिए जमीन आवंटन करे। लालपुर लहरा तारापुर गांव में बाढ़ ग्रस्त के वजह से कई गाँव की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। मेरा नाम रईस अहमद, जिला सरावस्ती, उत्तर प्रदेश, इंडियन हाट के लिए।